मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा टू को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती ही रहती है और सोशल मीडिया चर्चा से पुल हो जाता है। अब डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन फटाफट से अपनी शूटिंग पूरी करने में लगे हुए हैं, पर अभी तक फैंस को इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया है कि इस बार अगर आइटम सॉन्ग होगा तो उसमें कौन होने वाला है। वैसे तो सबको सामंथा रुथ प्रभु ही चाहिए जो पुष्पा में ऊ आंटा वा गाने में नजर आई थी, पर इस बार वो आइटम सॉन्ग में नजर नहीं आएंगी बल्कि वो कैमियो करते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, क्योंकि सामंथा तो आइटम सॉन्ग करने के लिए राजी नहीं है इस बार। ऐसे में उनके ना लौटने से उनके और पुष्पा के फैंस नाराज तो होंगे, और अभी पुष्पा टू के मेकर्स कोई रिस्क नहीं ले सकते तो किसी ना किसी बहाने सामंथा को फिल्म में जुड़ा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो एंड में एक छोटा सा सॉन्ग होगा या पहले पार्ट में उनकी जो भूमिका थी वही दूसरे पार्ट में भी रहेगी। ये भी कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स पहले पार्ट में सामंथा के किरदार को दूसरे पार्ट में चार्ज रखना चाहते हैं और फिल्म के तीसरे पार्ट में उनके कैरेक्टर को बढ़ा कर दिखाया जाएगा। जी हाँ, वैसे भी अल्लू अर्जुन ने बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस कर दिया है कि पुष्पा पार्ट 3 भी आएगा, मतलब है कि सामंथा का रोल उसमें जारी रहेगा। अब सामंथा फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रोमिनेंट फिगर तो है ही, और उसके साथ साथ उन्होंने पहली बार आइटम सॉन्ग किया था अपने करियर में, जिसमें भी बहुत ही एक्सेप्शनल डांस मूव दिखाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया था। अभी भी हर पार्टी और क्लब में पुष्पा का ये गाना बजता ही है, और जो कि बहुत बड़ा सक्सेस का ना वो साइन है। और तब सामंथा को आइटम सॉन्ग करने के लिए कई लोगों ने मना भी किया था, पर फिर भी उन्होंने वो किया था, जो कि उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। पर इस बार सामंथा को आइटम सॉन्ग नहीं करना है, अब वो नहीं होंगी। इसका मतलब जानवी कपूर या फिर दिशा पाटनी का नाम आइटम सॉन्ग के लिए सोच सकते हैं मेकर्स, जिस पर कोई भी खुश नहीं है, स्पेशली जानवी कपूर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लोग ये सोच रहे हैं कि जानवी को अभी भी फिल्में कैसे मिल रही है। खैर, अब ये देखना है कि इस बार फिल्म में आइटम सॉन्ग में कौन सी एक्ट्रेस हमें नजर आती है और क्या ऑडियंस मेकर्स के डिसीजन से खुश होते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि इस आइटम सॉन्ग को कौन परफॉर्म करे, हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850888.